दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्यों की, कुछ ऐसी चीजों की जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं अगर ये आपके एनवायरनमेंट में है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि कोरोना वायरस भारत में कुछ लोगों की वजह से फैल रहा है, और जिसके चलते कोरोना वायरस से हम कैसे बचें और पूरी की पूरी जानकारी निकालेंगे कि क्या चीजें हम अपनी जिंदगी में उतारें जिससे हमें कोरोना वायरस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस होता क्या है। दोस्तों, ये बुखार, जुखाम या फिर इत्यादि, अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, कुछ ऐसी लेजीनेस जिसे हम कहते हैं, या फिर जुखाम हमारा रुक नहीं रहा, बही जा रही है नाक और हमने बहुत सारी दवाइयां खा ली, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो। उसके चलते आप क्या करिए वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहला उपाय ये है कि दोस्तों अपने हाथ आप अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट धोइए, क्योंकि ये कोरोना वायरस के जर्म्स कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हम अपने हाथ पे मतलब ध्यान ना दें, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ छू लें जिससे जिसके चलते हमारे अगर एक कण भी आ जाता है ना दोस्तों कोरोना वायरस का, तो ये बहुत ही संक्रमण है, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक से दूसरे तक पहुंचता है और रेप्लिकेट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है, और इसके सिम्टम्स आपको लेट पता चलते हैं कि जो आपके बुखार हैं दोस्तों, क्योंकि इस जुखाम का या फिर हमारा रुक नहीं रहा है, इसका कोई तोड़ अभी तक सामने नहीं आया है, तो इसके चलते आप अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 बार धोइए। इंश्योर कर लीजिए जब भी आप खाना खाने से पहले अपने हाथों को, या फिर कोई भी चीज़ अगर आप छू रहे हैं, आप ये इंश्योर करिए कि आप अपने हाथ धो के ही छूइए। दोस्तों, बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो अगला फैक्ट ये निकल के आता है दोस्तों, अगर आपको जुखाम है या फिर आपकी नाक बही जा रही है, तो दोस्तों एक काम करिए कि आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करिए। जी हाँ, टिश्यू पेपर का आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल हैंकी से बार बार उस जुखाम को पहुँचोगे, एक ही हैंकी से ना करिए, आप अपना जुखाम जो आपकी बलगम आ रही है उसको अंदर डाल के उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। दोस्तों क्या होता है कि ये वायरस आपको आपके मुँह पर ना जाए, आप थोड़ा हाइजीन अपनी मेंटेन रखिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ये जो वायरस होता है वो बहुत ही खतरनाक है अपने आप में, और जिसके चलते अगर वो हैंकी आपके बेड पे आप रख देते हो, या फिर आप उसको कचरे के डब्बे में नहीं फेंकते, अपने आसपास रखते हो, तो दोस्तों वो कई चीज़ों पे वो वायरस लग जाएगा। दोस्तों, आपकी ज़रा सी लापरवाही आपके परिवार वालों को भी भुगतनी पड़ सकती है, इसलिए जितना हो सके सफाई को मेंटेन रखिए, क्योंकि अगर आपकी कफ है, कॉमन कोल्ड है, कोरोना वायरस नहीं है, और आप नहीं चाहते कि वो कोरोना वायरस में तब्दील हो, तो आप एक काम करिए, टिश्यू पेपर से अपने नाक को पोंछिए और उसको कचरे के डब्बे में डालिए, डस्टबिन में डालिए, ताकि आप अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकें। दोस्तों, बात करते हैं अगले फैक्ट की और अगली रेमेडी की, तो दोस्तों जितना हो सके दूसरों से डिस्टेंस बना के रखिए जिनको बीमारी है, या फिर जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों किसी का ना पता नहीं होता कि कोई बंदे को वायरस है भी या नहीं, क्योंकि ये बुखार आपको किसी को है नहीं पता चलेगा, क्योंकि बात करते वक्त ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए, आपके परिवार में भी जो बीमार है इस समय, तो उनसे भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क पहनिए मुंह पे जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए ही बहुत ज़रूरी है, आपके दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अगर हम थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखें तो हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी जिनको वो बीमारी है, तो इस बीमारी को और कॉम्प्लिकेटेड ना करके थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन रखिए जब आप बात कर रहे हैं किसी से, या फिर जो बंदा बीमार है उनसे आप उनका टेक केयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके आसपास बस आप सफाई मेंटेन रखिए, कुछ ऐसी मेडिसिंस उनको दीजिए जो उनके लिए सही होने के लिए ज़रूरी हैं, ताकि वो भी सही हों, और हाइजीन को अपने बहुत अच्छे से मेंटेन रखिए, साफ़ सफाई रखिए अपने चारों तरफ।
दोस्तों बात करते हैं अगली रेमेडी की। तो अगली रेमेडी ये निकल के आती है दोस्तों, अपने हाथों को अपनी आँखों पे, अपने मुंह पे या फिर अपनी नाक पे अगर आप टच ना ही करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि दोस्तों आप बाहर से अगर आते हैं या फिर अभी अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर अपने फ़ोन पे काम कर रहे हैं, दोस्तों कोशिश करिए कि आप अपने फेस पे कहीं पे भी टच ना करिए, कोई भी ऐसे सेंसिटिव पार्ट पे टच ना करिए जिसके थ्रू आपको वायरस हो सके। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब आप बाहर से आते हैं तो क्या होता है कि कुछ कण ऐसे होते हैं, एनवायरनमेंट अभी दूषित है, आपको भी पता होगा जैसे चाइना का एनवायरनमेंट पूरा दूषित है, तो आप कोशिश ये करिए कि आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते हमें अपने हाथों, नाकों और कान को या फिर कहीं पे भी आप अपने टच ना करिए, मुंह को परहेज करिए। क्योंकि दोस्तों ये आपके सबसे नाजुक अंगों में से एक है जिसके चलते अगर आपने टच करा तो दोस्तों ये कोई भी बीमारी में तब्दील हो जाता है। क्योंकि अभी के लिए मत करिए, क्योंकि दोस्तों अभी क्या है कि जिस वायरस के चलते जिसके हम बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस की जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो फैल सकता है। तो कोशिश ये करिए अपने आँखों, मुंह और नाक को ना टच करिए। और अगर आपको करना ही है तो दोस्तों हाथ धो के करिए, अपने हाथों को अच्छे से धो के करिए। दोस्तों बात करते हैं खाने की। तो दोस्तों अब खाने से रिलेटेड क्या चीज़ है कि दोस्तों सबसे पहले तो कच्चा खाना, अंडर कुक्ड, कच्चा जो रॉ फूड होता है उसका खाने का कंजम्पशन आप कम करिए। स्पेशली वो जो कि मीट ईटर्स हैं, जो कि मांस खाते हैं। और दोस्तों अगर हो सके तो अभी के लिए, जब तक ये वायरस का कोई उपाय अच्छा सा नहीं निकलाता, तोड़ नहीं निकलाता, तो कम करिए कि आप जानवरों का मांस कम खाइए दोस्तों। क्योंकि कोरोना वायरस जानवरों के मांस से ही आया हुआ है, चाइना ने ये प्रूफ किया है कि ये वायरस, क्योंकि देखो चाइना में ना दोस्तों सारी चीज़ें, सारा गंद कुछ भी खाते रहते हैं, वो सांप मछली बहुत कुछ खाते हैं, और भी बहुत सारी केकड़े, मगरमच्छ और ये आपके चमगादड़, ये सब चीज़ों से ही ये कोरोना वायरस की जड़ पता चली है कि यहीं से आया है। क्योंकि ये दोस्तों जानवरों का एक तरह का वायरस है जो कि क्योर नहीं हो सकता, जिससे जानवर थोड़े टाइम के लिए मर जाते हैं और वो वायरस हमारे ऊपर आ गया है। तो दोस्तों कोशिश यही करिए कि अगर आप मीट खा भी रहे हैं तो उसको गर्म पानी में डाल के थोड़े देर तक रख दीजिए, ताकि उसके जितने भी मांस के जो बैक्टीरिया हैं, जो भी सब कुछ है, वो सब निकल जाए। और अगर आपका मांस कच्चा है तो दोस्तों परहेज करिए कि कच्चा मांस आप ना खाएं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों बात करते हैं अब अगली रेमेडी की। तो अगली रेमेडी हमारे सामने ये निकल के आती है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप बुखार है या फिर आपका कोल्ड है, तो दोस्तों कोशिश ये करिए कि आप घर पे ही रहिए और बाहर ना ही जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर आप बाहर जाएंगे और अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बुखार है, जुकाम है आपको, तो बाहर जाने से दोस्तों आपका कोल्ड या फिर आपका जो भी आपको हो रही है बीमारी, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो कोशिश ये पूरी करिए कि आप घर पे रहिए और बच्चों को भी आप घर पे ही रहिए। क्योंकि दोस्तों अभी उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सही यही रहेगा कि वो घर पे रहें और अपनी पढ़ाई करें, ताकि उनको भी कोई वायरस ना हो। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल वायरस है, क्योंकि अगर ये वायरस जिसको भी है उसको बिल्कुल भी एक कमरे में बंद कर देते हैं, उसको उसका मतलब निकलना बंद कर देते हैं, उससे बात नहीं कर सकते हम, तो दोस्तों सावधानी बरतनी हमारी जिम्मेदारी है। और मेरा काम तो आपको सिर्फ गाइडेंस करना है, तो कोशिश करिए कि आप अपने घर पे ही रहिए और ज़्यादा बाहर ना जाइए। दोस्तों बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगले फैक्ट जिससे आप बच सकते हैं वो ये है कि दोस्तों जितना हो सके आप गर्म पानी पीजिए, या जितना हो सके आप जूसेस पीजिए। खाना अगर आप बाहर का परहेज करेंगे या फिर बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, मतलब घर का खाना जैसे दाल चावल आप खाते हो या फिर नॉर्मल फूड आप जो खाते हो हेल्दी, वो आपको खाना है, लेकिन दोस्तों जितना हो सके ना ज़्यादा मात्रा में जूसेस लीजिए। क्योंकि जूसेस क्या होता है कि वो आपके एक तो सबसे जल्दी लगता है, विटामिन जूसेस से हमारे को ज़्यादा जल्दी मिलते हैं, खासकर कि उनके लिए जो दोस्तों बीमार हैं, अभी बुखार है जिन्हें,
और उनको ज़्यादा ना बढ़े, उनका बुखार या जुकाम ठीक हो जाए, तो उनको दोस्तों हो सके तो जूसेस दीजिए, फ्रूट जूस दीजिए, वेजिटेबल सूप दीजिए उनको जितना हो सके, गर्म पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि दोस्तों गर्म पानी से क्या होगा ना, गर्म पानी आपको आपका पेट साफ करेगा, आपको बीमारियों से बहुत बीमारियों से बचाता है आप, तो कोशिश करिए कि जितना हो सके गर्म पानी को लीजिए और जूसेस पीजिए ताकि आप सुरक्षित रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो अगर आपको ऐसी वीडियोस के बारे में और रेमेडीज़ चाहिए कुछ, जिसके चलते आप भी अगर फीवर या कोल्ड है आपको, इससे कोई भी रिलेटेड आपको अगर फैक्ट्स जानने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करो और इसको हर बंदे तक शेयर करो जिसको अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपका धन्यवाद।